दिल्ली जो हमेशा किसी ना किसी गल लई सुर्खियां दा विषय बनी रहिंदी है, इस बार भी एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिथे 59 बच्चियां नू इसलिए बेसमेंट च बंद कर दिता गया क्योंकि उन्होंने स्कूल दी फीस नहीं भरी सी। इन्नी गर्मी विच बच्चियां नू करीब 5 घंटे लई भुखे प्यासे तहखाने विच बंद करके रखा गया। यह मामला है दिल्ली दे चांदनी चौक इलाके दे राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल दा। बच्चियां दे मापिया मुताबिक जदों छुट्टी समय उन्हां नू लैन गए तां क्लास च कोई नहीं मिलिया। स्कूल दे स्टाफ ने दस्या कि बच्चे बेसमेंट च ने, जदों उत्थे गए तां दरवाजे नू बाहर कुंडी लगी हुई सी। परिवार वालियां नू वेखदे ही बच्चे फुट फुट के रोन लग पए। बेशर्मी ते गुंडागर्दी दी हद तां उदों हो गई, परिवार वालियां ने जदों स्कूल प्रशासन नाल गल करन दी कोशिश कीती तां उन्हां नू स्कूलों धक्के मार के कढ़न दी धमकी दित्ती गई। मेरी बच्ची दाविया गर्ल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, जब उसको यहाँ पर बेसमेंट में रखा गया है फीस की बदौलत, फीस जमा नहीं हुई है, लेकिन फीस जमा हुई हुई है 4 महीने की, तो उसे ये कहा है कि बेसमेंट में रख दिया है। बेसमेंट में बंद करने के बाद तो उसे खाने पीने का भी कुछ नहीं हुआ, लंच भी वापस ऐसे ही लाई है, तो घर पर आकर वो बहुत रोई हैं, फेस बहुत लाल हो रहा था उनका, और नेक्स्ट डे आने के लिए वो रो रही थी कि मैं अब नहीं आऊँगी अम्मी, कि मुझे फिर दोबारा वहीं बैठना पड़ेगा। परसों मैंने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ा था, तो उसके बाद 7 बजे के बाद मैं सब 12:30 बजे बेटी को लेने आया, तो क्लास टीचर से मैंने पूछा, मेरी बेटी क्लास में नहीं थी, तो मैंने पूछा कि बेटी कहाँ है मेरी, उन्होंने कहा बेसमेंट में है। बेसमेंट में क्यों थी कि फीस जमा नहीं हुई, जबकि मैंने जुलाई तक की फीस जमा करा रखी है। ये वही बेसमेंट है जहाँ बच्चियों को रखा गया था, 50 से 60 बच्चियों को रखा गया था इस बेसमेंट के अंदर, और ये पंखा भी उस टाइम पे खराब था। बच्चियां निढाल थी, पसीनों में तरबतर थी, बच्चियों के समझ लीजिए आप 4-5 घंटे बच्चियां जो है बिना पानी के बिना किसी चीज के यहाँ पड़ी हुई थी, और उन्हें एक तरह से जो है ना कि सजा दी गई थी कि आपके पेरेंट्स ने फीस जमा नहीं कराई, जबकि एडवांस में उनके पेरेंट्स ने 6-6 महीने की फीस जमा करा रखी है। एथो तक कि स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि वो बेसमेंट नहीं एक्टिविटी रूम है, बेसमेंट प्ले एरिया है बच्चों का, यहाँ पर बच्चे बैठ के खेल रहे थे, टीचर्स ही यहाँ पर, दो टीचर्स ही यहाँ पर, स्कूल की दो टीचर्स ही जो बच्चों को देख रही थी। अब उन्होंने गलत एलिगेशन लगाए, वो उनकी गलत एलिगेशन लगाए उन्होंने कि बच्चों को लॉक कर दिया गया या पंखा नहीं था, लाइट नहीं था। आप बच्चों से खुद पूछ लीजिए, बच्चे बता देंगे आपको क्या। एक पंखा रिपेयर होने गया था उसी दिन, और मंडे को कल लग गया पंखा यहाँ पर। दिल्ली दे मुख्यमंत्री केजरीवाल ते उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी घटना ते दुख जताया। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि मेनू इस घटना तो झटका लगा है। उथे इस संबंधी मापिया की शिकायत ते पुलिस ने जुविनाइल एक्ट की धारा 75 तहत स्कूल खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, पर इस घटना ने साबित कर दिया कि हुन मासूमियत ते बचपन गुजरे जमाने हो गए, बस अज इस दुनिया विच किसी चीज की अहमियत रह गई है ता सिर्फ पैसा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाबी।